जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि 6 महीने पहले हिंदू वाहिनी भारत की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुछ मुद्दों को लेकर के हम लोग आप लोगों के बीच में आए थे। हमने भाजपा को कहा भी था कि उन मुद्दों में आप सक्रियता लाइए, नहीं तो हिंदू वाहिनी को कठोर कदम उठाने पर मजबूर मत करिए। आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन होने के नाते हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है, उनके विचार हैं कि अगर भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पे पीछे हटती है, सामाजिक मुद्दे पे पीछे हटती है, तो हिंदू वाहिनी भारत को चुनाव में आने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर अब की उन लोग 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हम लोग जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। किस तरह की जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और क्या नाराजगी आपकी? देखिए, हम लोग से वादा किया था कि राम मंदिर बनेगा 2014 में, 370 हटेगा, समांग नागरिक संहिता लागू होगा, ऐसा कुछ हमको दिखा नहीं, ना उसकी कोई पहल दिखी, ना कोई निर्णय दिखा। तो जो हमसे वादा किया गया था वो वादा नहीं निभाया गया, तो जिम्मेदारी ये समाज में हम लोगों की बनती है कि जवाब दिया जाए। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसका संरक्षण माना जाता है कि हिंदू वाहिनी कहीं ना कहीं वो उनकी लोकप्रियता से रहते हैं, उनके मार्गदर्शक में, तो क्या बाबा ने आपकी बातों को नहीं सुना या उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की हाल में नहीं कर पाया? देखिए, हिंदू युवा वाहिनी भारत से महाराज का कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे संरक्षक नहीं है। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये सुनील सिंह जी का राष्ट्र संगठन है, जो कि पहले हिंदू वाहिनी भारत के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, आज के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। 6 महीना राष्ट्र का काट के आए हैं इसी सरकार में, तो मैं कैसे मानूं कि सरकार हमारी बात सुन रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर 6 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि जनवरी तक का समय देते हैं भाजपा को, अगर हमारी भावनाओं से खेला गया, हिंदुओं की भावनाओं से खेला गया, तो 2019 में हम लोग चुनाव में आएंगे। क्या इस बीच मुख्यमंत्री या फिर अमित शाह जी से बात नहीं? इस सिलसिले में कोई बात नहीं। लोकसभा के